सीधे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी लिए चलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं, खींची है जिसको जिसमें विकास के सारे आयामों को हमने टच किया है। अब आप देखिए कमलनाथ जी की सरकार रही कुछ समय, उन्होंने ये सारी स्कीम्स बंद कर दी, रोकने का काम किया। डिविजिव फोर्सेस वर एक्टिव, फिर से डिविजिव फोर्सेस को आगे बढ़ाने का काम किया और भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीजें वो सिनोनिम है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और करप्शन ये साथ ही साथ चलती है, कांग्रेस और कमीशन ये एक साथ ही चलती है। तो यही संस्कार यही कल्चर डेवलप हुआ। मुझे खुशी है कि ये सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मुझे वो परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन एक समय जब शिवराज जी ने सरकार संभाली थी पहले, फर्स्ट टाइम व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, तो उस समय आपका इरिगेशन शायद 3% 7.5 लाख हेक्टर था टोटल, राजा नवाब कांग्रेस सब मिला, अब हो गया 43 लाख हेक्टर तक पहुंच गया। तो एक क्या कैसे परिवर्तन होता है उसको हम आपके सामने उसकी तस्वीर रखें। अब बोलेंगे किसानों के लिए क्या, किसानों के लिए क्या किया, ये किसान सम्मान निधि आज कल 2 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने 10-11 किश्तों में किसानों के खाते में पहुंचाई है और संख्या कितनी है 10 करोड़ किसान। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भी शासन को आपने देखा है। मैं यहाँ के पार्टी की गतिविधि और सरकार की गतिविधि और सरकार के कार्यक्रमों को धरती पर उतारने में लास्ट माइल डिलीवरी में पार्टी के कार्यकर्ताओं की योगदान, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ कि पार्टी ने सरकार के साथ मिल करके मध्य प्रदेश के साधारण आदमी की तकलीफ को समझने का प्रयास किया है और उसको राहत देने का काम किया है और विकास की एक नई छलांग लगाने में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, कनेक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ा है और एक वन ऑफ द लीडिंग रिस्पेक्टेबल स्टेट्स के रूप में आज मध्य प्रदेश खड़ा है, जो मेरे खुशी का जो जिसका वे पर मैं खुशी इजहार करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ आया हूँ तो यहाँ के कैबिनेट से भी मिलूँगा, यहाँ के कोर कमेटी के लोगों से भी मिलूँगा,